अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। रिश्तों में आग लगी तो युवक ने अपने घर को ही आग के हवाले कर दिया। जिंदगी से परेशान होकर उसने खुद को भी आग लगाने की कोशिश की और जलते मकान की खिड़की से नीचे कूद गया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस पूरे विवाद व अग्निकांड का कारण गृह कलेश बताया जा रहा है। आसपास के लोगों व फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग पर काबू पाया। हालांकि आसपास के घरों को भी तपिश के कारण नुकसान पहुंचा है। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। यह घटना आज यूपी के मेरठ के डालमपाड़ा इलाके की है। यहाँ कन्हैया दूध वालों के सामने भारती ब्यूटी पार्लर है। इस बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में आज सुबह 9 बजे लोगों ने एकाएक ही आग की लपटें उठती हुई देखी और कुछ ही देर बाद मकान मालिक सचिन को नीचे पड़े हुए। आसपास के लोगों ने बताया कि युवक का नाम सचिन शर्मा है और उसका अपनी पत्नी व भाई दोनों से ही काफी समय से विवाद चल रहा है। 3 दिन पहले भी झगड़ा काफी हद तक बढ़ गया था, जिसके बाद डिप्रेशन के शिकार सचिन ने खुद को आग लगा ली और अपनी ही घर की खिड़की से कूद गया। पुलिस व फायर ब्रिगेड आग लगाने का कारण तलाश रही है। घटना स्थल पर मौजूद सचिन के भाई पुनीत शर्मा ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। ये ऐसा हुआ, हमारा भाई है, सगा भाई हो, हमारे से कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज का। तो इसने क्या करा, ये बाहर ड्रामे कर रहा था 2 दिन पहले भी, पता नहीं कौन सा नशा करता है, खांसी का सिरप वगैरह कुछ भी है चाहे। तो मोहल्ले वालों ने कही इसे अंदर को ले जाओ। हमने कही अंदर को ले, भैया हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मोहल्ले वालों ने कही जबरदस्ती इसे ले जाओ। हमने ले आके गैलरी में पटक दिया, लेकिन रात 11:45 2 बजे रात के ये अपने कमरे में चला गया अपने आप और लेट गया। अब पूरे दिन 24 घंटे तक कमरे में ही रहा, हमारे से कोई मतलब नहीं है। तो इसकी जो घरवाली अपने घर पे गई है, वो बच्चा जलन हो रहा था। फिर हमने क्या करा जी, हम आज लेटे थे कमरे में, हमने कल इसके कमरे में देखा जाकर कुंडी लगी हुई थी। आज क्या हुआ है? आज ये हुआ भैया कि हम अपने कमरे में अपने सो रहे थे। क्या बजे? ये तकरीबन 9:30 जो भी बज रहे होंगे। तो हमने मोहल्ले वालों खूब घंटियां बजाई और किवाड़ खड़खड़ाए, तो हम नीचे गए, वक्त देखा तो यहाँ पर आग की लपटें दिखाई देती हमें। तो नीचे अपने बच्चों को लेकर भगे, ये आग हुई। और वो बड़ा भैया कमरे में से कूद के नीचे, वो तो नीचे कूद गया। क्या नाम है उसका? उसका नाम है सचिन शर्मा और उसकी घरवाली का नाम है पूनम शर्मा। कैसे लगी आग? वही बताएगा भैया, उनने क्या करा है या क्या हुआ है उसे पता है, मुझे नहीं पता। ये हुआ भैया। घर किसका है? ये घर भैया हमारे स्वर्गीय पिताजी का है, श्री जगदीश शरण शर्मा जी का। ठीक है। कोरोना के इस घड़ी में बेहद सतर्कता जरूरी है। सरकारी गाइडलाइन का 100% पालन सुनिश्चित करें। जब तक बेहद जरूरी ना हो घर से ना निकलें। घर पर रहें, सेफ रहें। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।